स्वागत है दोस्तों आप सभी का टेकसर्ग का YouTube चैनल पे। और सबसे पहले आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रहा है, काम की वजह से नहीं आ पाता है। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे पॉकेट एफएम से कैसे पैसे अर्न किया जाता है, तो आप सभी को भी पता होगा कि मैं पॉकेट एफएम के ऊपर भी वर्क करता हूँ और वहाँ से भी अर्निंग होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि पॉकेट एफएम पर अर्निंग कैसे होती है और क्या सभी क्रिएटर यहां से पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते रहोगे तो आपको ये तो पक्का पता चल जाएगा कि हाँ, पॉकेट एफएम से भी पैसे अर्न किया जा सकता है। मैं विद प्रूफ आप सभी को यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल का एक नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा इंट्रो। सो गाइज, बहुत सारे लोगों का कमेंट था टेक्सर जी के यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप पे भी लोग बोल रहे थे कि भाई पॉकेट एफएम के बारे में बताओ कैसे अर्निंग होती है। तो आज फाइनली ये टाइम आ गया है कि जो मैं आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। और कुछ लोगों का कमेंट तो ऐसे आ रहा था कि पॉकेट एफएम में ही मेरी ऑडियोज़ के नीचे लोग बोल रहे हैं भाई पॉकेट एफएम के बारे में बताओ यार कैसे अर्निंग होती है। सो गाइज, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म होती है, अगर आपको कोई ढूंढ के आता है, मतलब आपको कोई हायर करता है ना, तो आपकी वैल्यू होती है। अगर आप किसी के पास जाते हो ना तो आपकी वैल्यू नहीं होती है। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से गार्ड बांध के रखना। अगर आप YouTube में आगे कुछ करना चाहते हो, अगर स्पॉन्सरशिप कहीं से लेना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि अगर आप किसी कंपनी के पास जाते हो तो कंपनी वाले आपकी वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। अगर कंपनी आपके पास आती है ना तो आप उनको जो रेट कहना ना आप कह सकते हो। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है पॉकेट एफएम के साथ। पॉकेट एफएम मेरे पास आई है, मैंने अपने पैसे उन्हें बताया, उन्हें अपने पैसे के हिसाब से उन्होंने वर्क करा। और एक चीज़ मुझे यहाँ से जानने को ये मिला है कि यहाँ जो पैसे बनते हैं वो टाइमिंग के हिसाब से बनते हैं। जैसे कि मेरे पहले की टाइमिंग थी 40 मिनट के 600 रुपये ये देते थे। अगर मैं 40 मिनट वर्क करूँ तो मुझे 600 रुपये ये देते थे। अब यहाँ पर क्या फंडा हो गया कि अब ये मुझे 60 मिनट के लिए तकरीबन 1200 रुपये देने वाले हैं। इस महीने से इनका काम स्टार्ट हुआ है, जो मैंने इस महीने से स्टार्ट करा है इस 1 जुलाई से, ठीक है। अब 60 मिनट के लिए 1200 रुपये, यानी कि तकरीबन आप समझ लो कि 30 मिनट के लिए अब 600 हो गया है। मतलब जो 40 मिनट के लिए 600 था, अब वो 30 मिनट के लिए 600 हो गया है। यानी कि मंथली 6,000 से 7,000 रुपये के आसपास ये पैसे बढ़ गए, जहाँ तक अप्रोक्स मैं पूरी बात करूँ तो इतने पैसे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर किस तरह का वर्क होता है, तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ जो वर्क होता है, यहाँ पर आपको ऑडियो अपलोड करना होता है, ठीक है। और ऑडियो अपलोड करने के लिए आपको कोई बड़ी काम नहीं करना है यहाँ पर। अभी आपको तो हायर करेगा नहीं ये लोग, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन्हें एक ही कैटेगरी दिया जाता है, और मुझे पूरे पॉकेट एफएम पर एक कैटेगरी दिया गया है, एजुकेशनल कैटेगरी, जहां पर मुझे काम रहता है करेंट अफेयर अपलोड करना, रोजगार समाचार देना, रेलवे के जीके जिस करता हूं और एसएससी के जीके जिस करता हूं। ये 4 ऑडियो मुझे यहां देना होता है और मैं डेली इसे आराम से कर लेता हूं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और मंथली तकरीबन 20 से 22,000 रुपये जो था पहले, 40 मिनट के लिए 600 रुपये दे रहे थे, उसके हिसाब से 20 से 22,000 रुपये बने थे। और इस बार 1200 रुपये देंगे 60 मिनट के लिए, तो इस बार जो है सैलरी 30,000 से ज़्यादा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक क्रिएटर 30,000 से ज़्यादा कमा सकते हैं नॉर्मल वर्क करके, ठीक है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये हो गया कि आप यहाँ से 30,000 से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो विद पर्सनल एक्सपीरियंस। आप सभी को बता रहा हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं है। अब मैं ये इस बात पर बात करता हूँ कि क्या आप कमा सकते हो या नहीं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पॉकेट एफएम पे मुश्किल है थोड़ा बहुत। जैसे खबरी पे क्या है, इनकी इंसेंटिव स्ट्रक्चर चलती है कि आप इतने व्यूज लाओगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इनका क्या कहना है कि हम जिन क्रिएटर को हायर करके लाते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पैसे देंगे, बाकी किसी लोगों को पैसे नहीं देंगे। अगर हाँ उनके प्लेटफॉर्म पर कोई वर्क कर रहा है, जैसे कि खबरी भी बोलती है भाई आपको 500 मोनेटाइजेशन करने होंगे, 500 फॉलोवर करने होंगे मोनेटाइजेशन के लिए, तभी आपको पैसे बनेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हैं, आप क्योंकि कंटेंट डिपार्टमेंट तो कंटेंट देखते रहती है कि हाँ किस तरह का कंटेंट कौन अपलोड कर रहा है, अगर आपकी कंटेंट उन्हें पसंद आएगी तो आपको वो मोटिवेट करने के लिए कुछ पैसे भी देंगे। आपको कोई कुछ भी पैसे दे सकते हैं, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 कुछ भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर मर्जी है। ये मैं नहीं कह सकता कि कितने रुपए दे जा सकते हैं। आपका कंटेंट उन्हें अच्छा लगेगा तो आपको हायर भी करेंगे कि हाँ आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको पैसे दूंगा और आप वीडियोस यहाँ पर आप यहाँ पर ऑडियोज को अपना अपलोड करो। तो इस तरीके का वर्क है पॉकेट एफएम के ऊपर। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई है। अगर डायरेक्टली अगर आप सोच रहे हो खबरी की तरह कि हाँ कि खबरी जैसे पैसे देती है वैसे पॉकेट एफएम दे सकती है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं दे सकती।
है दोस्तों, अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म की जानकारी चाहिए कि खबरी के तरीके और कौन है जो पैसे दे सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप सभी को बता सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं इसके बारे में अगले वीडियोज़ में आप लोगों को बता दूंगा। अगर आपको खबरी के बारे में नहीं पता है कि खबरी से कैसे पैसे अर्न किया जाता है, तो ये लास्ट की दो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एंड स्क्रीन में उस वीडियो को देखने को मिल जाएगा, आपको वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि खबरी से कैसे पैसे अर्न किया जा सकता है। बाकी तो आप पॉकेट एफएम से समझ ही सके हो कि पॉकेट एफएम से पैसे कमाना आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाइड है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल टेक्सर्जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आप सभी को यूट्यूब टिप्स साथ ही अर्निंग के एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।